फ्रेंड्स, जब हम बॉडी पॉलिश का इस्तेमाल करते हैं तो आप देख सकते हैं कि उस टाइम पर जब बरसात की बूंदें हमारी गाड़ी पर पड़ती है तो उस टाइम पर पानी जो है बूंदों के रूप में आप देख सकते हैं इकट्ठा हो जाता है, और यही वो पानी है जब चलते चलते हमारी विंडस्क्रीन पर सामने आ जाता है, और उसके बाद जो हमारी विंडस्क्रीन पर जो है फॉग जो है इकट्ठा होनी शुरू हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं, आज इस वक्त ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इसके पीछे एक थोड़ा सा एक छोटा सा एक रीजन है, जो कि आप देख पाएंगे कि इस वक्त आप देख सकते हैं कि आज काफी बहुत ज्यादा बरसात जो है आज हुई है हर जगह, काफी दूर दूर तक आज की डेट में काफी अच्छी बरसात हुई है। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर सामने विंड स्क्रीन पर जो है मेरे, आप देख सकते हैं कि सामने से देखना बड़ा मुश्किल हो पा रहा है, और आप देखेंगे जैसे ही मैं इसका जो वाइपर को देखेंगे आप चलाऊंगा तो उसके बाद आप देख पाएंगे बिल्कुल जो है मैं आराम से बिल्कुल क्लियर देख पा रहा हूँ, तो ये देखेंगे। लेकिन जैसे ही मैं अपने वाइपर को देखेंगे आप बंद कर देता हूँ तो तुरंत कुछ सेकंड के अंदर ही तुरंत एकदम से फॉग जो है मेरी विंड स्क्रीन पर जो है आप देखेंगे, आपको मैं दिखाता हूँ तो वो लौट आएगी। आप देख सकते हैं रात का समय इस वक्त काफी अच्छा खासा ट्रैफिक आप देख सकते हैं कि चल रहा है, और आपको मैं दिखाता हूँ आप देखिएगा, बिल्कुल आप देख सकते हैं इस वक्त एकदम से फिर से फॉग आ गई है। अब देखेंगे जैसे ही मैंने वाइपर को चलाया आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर हो गया, सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही मैं वाइपर को फिर दोबारा से बंद कर देता हूं तो आप देखेंगे मुश्किल से कुछ सेकंड्स के बाद ही जो है मेरी विंडस्क्रीन पर आप देखेंगे फिर से फॉग जो है इकट्ठा हो रही है। और आपको मैं बताऊं तो इसकी सबसे बड़ी वजह ये नहीं है कि ये भैया आज की डेट में आपको मैं बताऊं तो यार ये कोई बरसात का मौसम है तो इस वजह से फॉग जो है इकट्ठा हो रही है। तो आप देख सकते हैं मैंने अभी जो है आपका काफी ज्यादा ट्रैफिक चल रहा है इस वक्त, तो देखेंगे मैंने फिर से दोबारा, मुझे क्लियर दिखाई नहीं दिया था तो मैंने एकदम से दोबारा फिर से वाइपर को ऑन किया है, लेकिन जैसे ही यार मैं वाइपर को, अब देखेंगे वाइपर जब तक चल रहा है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही मैं वाइपर को ऑफ कर देता हूँ तो आप देखेंगे उसके कुछ सेकंड्स के बाद ही जो इसकी विजिबिलिटी है बहुत ही ज्यादा पुअर होने लग रही है, एकदम से फॉग जो है मेरी आईने पर आ रहा है। ये फॉग जो बाहर का है, अंदर का फॉग नहीं, क्योंकि अंदर का फॉग जो है मैं एसी की एयर को आपकी विंडस्क्रीन पर डालने के बावजूद इसको हटा सकता हूँ, जो कि मैंने डाल रखा है इस वक्त उस मोड पे चलाया हुआ है। आप देखेंगे फिर से फॉग आ गया है, फिर से मुझे इसको हटाना पड़ रहा है। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसकी सबसे बड़ी वजह क्या हो रही है, क्योंकि विंडस्क्रीन पर मेरे फॉग इस प्रकार से जमने का वजह यह होता है कि अगर आपने कभी अपने विंडस्क्रीन की सफाई शैम्पू से की हो तब ऐसा हो सकता है, लेकिन मेरी नैनो पर इस वक्त मेरी जो विंडस्क्रीन की ऐसी स्थिति हो रही है इसके पीछे शैम्पू एक वजह नहीं है, इसके पीछे आपको बताऊं तो बॉडी पॉलिश है, क्योंकि अभी 3 से 4 दिन पहले मैंने अपनी नैनो के अंदर इसको जो है बॉडी पॉलिश किया था, इसमें बहुत ही अच्छी खासी अच्छी क्वालिटी की फार्मूला की वो आप कह सकते हैं कि वो बॉडी पॉलिश है जिससे कि बहुत ही अच्छी शाइन आती है, लेकिन वो बॉडी पॉलिश शाइन तो अच्छा दे दिया लेकिन उसके बाद जैसे ही बरसात का पानी इस पर पड़ा इसकी बॉडी पर, क्योंकि मैंने ऊपर छत पर भी काफी अच्छे प्रकाश से उसको जो है अप्लाई किया था, तो उस टाइम पर जैसे ही छत से जो पानी नीचे विंडस्क्रीन पर जो आता है तो आपको मालूम है कि जो बॉडी पॉलिश एक प्रकार की होती है, एक तरह का लुब्रिकेंट ही होता है, उसके अंदर चिपचिपा एक पदार्थ ही होता है वो, तो उस टाइम पर जब वो चिपचिपा पदार्थ हमारे विंडस्क्रीन पर आएगा तो उसके बाद इस प्रकार की जो भी फॉग होती है वो एकदम से, आपने देखा जैसे ही वाइपर को रोकता हूं तुरंत चिपक जाती है। तो आज की वीडियो में ये मैं आपको बताना चाहता था कि भैया ये जो हमारी बॉडी पॉलिश होती है इसके फायदे के साथ साथ इसका जो सबसे बड़ा नुकसान जो आज आपके सामने मैंने बिल्कुल यार एकदम से प्रूफ आपको सबूत के तौर पर मैंने दिखाया, जो कि आप देख सकते हैं कि यार सिर्फ कुछ सेकंड्स ही अगर मैं रोकता हूं तो तुरंत ही यार एकदम से, जबकि कोई बरसात नहीं आ रही है इस वक्त, किसी भी तरह की कोई बारिश बरसात नहीं आ रही, लेकिन फिर भी लेकिन जो मेरा विंडस्क्रीन है आपने देखा कितना एकदम से फॉग जो इस पे इकट्ठा हो रहा है। तो आज की वीडियो मेरा बनाने का मकसद यही था कि अगर आप भी बॉडी पॉलिश का इस्तेमाल करते हैं और ऐसे रेनी सीजन में जब भी आपको निकलना है तो आप एक बार अपने विंडस्क्रीन को अच्छे से जरा क्लीन कर लीजिए किसी पेपर से किसी कपड़े से, क्योंकि मैंने ये चीज को अप्लाई नहीं किया है इसीलिए ये इसमें दिक्कत जो अभी आ रही है। अब मैं जैसे ही अपनी मंजिल पर पहुंचूंगा तो उसके बाद तुरंत मैं इसको जो है किसी न्यूज़पेपर, जैसे मुझे कोई न्यूज़पेपर मिलता है तो तुरंत मैं इस चीज को क्लीन करूंगा। तो आज की वीडियो में ये मैं आपको दिखाना चाहता था, आपने भी देखा अपने आप से कि जैसे या थोड़ी भी कुछ सेकंड्स के लिए ही मैं अपने जो है वाइपर को रोकता हूं तो तुरंत आप देख सकते हैं फॉग एकदम से आ जाती है और कुछ भी देख पाना मतलब नामुमकिन सा हो जाता है, आपको दिखाई नहीं देता है, तो इसलिए इससे कुछ भी दुर्घटनाएं घटना की संभावना हो सकती है। तो इसीलिए अगर आपने भी बॉडी पॉलिश का इस्तेमाल किया है तो प्लीज आप उसके बाद अपनी विंडस्क्रीन को अच्छे से क्लीन कीजिए, जो कि मैंने नहीं किया था। और फ्रेंड्स, एक बार न्यूज़पेपर से मैं इसकी विंडस्क्रीन को थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या कुछ अलग रिजल्ट निकलता है क्या। तो फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने न्यूज़पेपर का अपने विंडस्क्रीन पे इस्तेमाल किया तो उसके बाद जो है काफी हद तक आप देख सकते हैं कि कुछ हद तक फॉग जो है इसमें नहीं जम रही है, क्योंकि ये वही वजह थी कि पहले जो
इसके ऊपर इसके विंडस्क्रीन पर एक प्रकार की लुब्रिकेंट जो बना हुआ था बॉडी पॉलिश की वजह से, उसकी वजह से जो भी आप देख सकते हैं कि क्या एटमॉस्फेयर जो मौसम का रहता है उसकी वजह से वो जो फॉग है मेरी विंडस्क्रीन पर आ रही थी, और आप देख सकते हैं कि मैंने अभी तक एक भी बार वाइपर का उपयोग नहीं किया, जबकि इससे पहले आपने देखा था जितनी भी बार मैं इसको चला रहा था, यानी कि सिर्फ मुश्किल से वाइपर चलाने के 2 से 3 सेकंड के बाद ही मुझको जो है एक बार फिर से दोबारा वाइपर का इस्तेमाल करना पड़ रहा था। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि काफी देर बीत चुकी है और इस वक्त मेरी विंडस्क्रीन पर किसी भी प्रकार की फॉग नहीं जम रही है। तो देखेंगे इस प्रकार से हमें अपनी विंडस्क्रीन को सफाई जो है न्यूज़पेपर से कर लेनी चाहिए। अगर आपने किसी भी प्रकार के लुब्रिकेंट या फिर शैम्पू का इस्तेमाल अपनी गाड़ी के विंडस्क्रीन पर किया हुआ है तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने सबूत है, क्योंकि इस वक्त जो है मेरी नैनो के विंडस्क्रीन पर आप देख सकते हैं काफी देर से चलते हुए किसी भी प्रकार का जो है फॉग इकट्ठा नहीं हुआ है, जबकि पहले आपने देखा था तो इतनी ही डिस्टेंस पर आपने देखा था कि मैं तकरीबन मतलब हर सेकंड्स के हर कुछ 5 से 10 सेकंड के बाद ही जो है मुझे वाइपर का उपयोग करना पड़ रहा था। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आज की वीडियो आपके लिए उपयोगी हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगली इंटरेस्टिंग टाटा नैनो की वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, जय महाकाल।